हेलो नमस्ते सस्ते काले नदा, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट चैनल द मेक सेटा, डिजाइन योर ओन इमेजिनेशन, मतलब कि अपनी सोच को आकार देना। और इसी थीम से हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी, एक नई पॉडकास्ट, हमारी इंटीमी सीरीज का एपिसोड 4 फाइनली आ गया है। एहसास, एक जज्बात को महसूस कराने वाली बातें, वो बातें जो आपके दिल को छू जाए और आपसे खुद पूछे कि यार अगर उसकी जगह मैं होती तो मुझे कैसा लगता। वो रोज कमाते हैं, जिंदगी के मोड़ पर आपको कई मुसाफिर मिले होंगे जिन्हें देख के आपके जहन में एक बात तो जरूर आई होगी कि यार हम कितने खुशनसीब हैं ना। मुझे आज भी वो शाम याद है जिस शाम को खाना खाने के बाद मैं वॉक पे गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे कारण आइसक्रीम खाना ही क्यों ना हो, मगर उस शाम को मैंने उस इंसान को देखा और जहन में सिर्फ एक बात आई, यही सुकून है। थकार कर एक आदमी ठेले के ऊपर सो रहा था, ना कोई चादर थी उस आदमी के पास और ना ही कोई बिस्तर और ना ही कोई सिराने के नीचे तकिया, ना ऊपर कोई पंखा था और ना मच्छरों से बचने के लिए ऑल आउट। वो ठेले की स्ट्रीट लाइट के नीचे सो रहा था और वो आदमी आराम से चैन की नींद सो रहा था जिसके लिए अमीर लोग दवाइयाँ खाते हैं। यार ये भी कैसी जिंदगी होती है ना उन लोगों की, सूरज उगने से पहले उठ जाना, अपने काम काज के लिए लगे रहना, कभी गलियों में तो कभी मोहल्लों में अपने सामान को बेचने के लिए आवाजें लगाना, सिर्फ इस उम्मीद में कि इससे उनको रात को पेट भर खाने के लिए पैसे नसीब हो जाए। आज भी मुझे वो माँ याद है जो रेड लाइट पे खड़ी एक हाथ में अपना सामान लिए, कभी वो गुब्बारा होता कभी वो पेन होते, और दूसरे हाथ में अपने बच्चे का हाथ पकड़े खड़ी रहती है। मुझे हमेशा वो बच्चे दिख जाते हैं, कभी कभी कच्ची उम्र में बड़े होने वाले बच्चे जिनके हाथों में गुलाब होता है और उस गुलाब को बेचने के लिए वो हर सामने आने वाले इंसान को कहते हैं, दीदी ले लो, भैया ले लो, और ना जाने किस किस की कस्में दे देते हैं। वो छोटी सी नन्ही सी जान जो शायद ढंग से चलना सीखी हो, जिसे पैसे भी लिखे हुए नोट का पता ना हो मगर उस पेट की भूख का पता हो, जब उनके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे वो माँ याद आती है जो अपने बच्चे के लिए पहले अपने घर का काम करती है और फिर बाहर का, जो खुद की साड़ी को अपना पहनावा मानती मगर जब काम पे जाती है तो उसके ऊपर शर्ट पहन के जाती है, क्योंकि काम जरूरी है मगर हर किसी की नज़र सही भी तो नहीं होती, जो कभी घर में होने के बाद भी घर में नहीं होती। एक टॉप पे मोती लगाने के 20 रुपए मिलते हैं, एक चूड़ी पर मोती लगाने के 20 रुपए दर्जन मिलते हैं, कागज की गड्डी बनाने में जिसमें 50 रुपए कमाए जाते हैं और कभी कभी उसमें 50 से 60 लिफाफे बनाए जाते हैं, कोई फेविकॉल से नहीं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही खाने कमाने वाले शख्स को जिनका नाम है विकास। तो रोजाना की जिंदगी में कई लोग कई तरह की चीजें महसूस करते हैं, हर रोज हम कमाते हैं और खाते हैं, उनमें से किसी इंसान की हम जिंदगी के बारे में कुछ किस्से कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ है विकास। तो सर आप इस काम को कितने टाइम से कर रहे हो? काफी दिन से कर रहा हूँ, 12 साल से। तो आपने इसमें कितना सीखा है? सीखा क्या, वही काम है जो करता रहता हूँ। आपको इस काम में किसने आने को बोला था? मतलब ये होता है ना कि हमारे घर से कुछ काम शुरू होते हैं तो हम उसे करते आते हैं, जैसे कि अगर मेरे पापा कुछ काम करते हैं तो मुझे पता होता है वो काम कैसे होता है, मुझे इसमें पैसा दिखता है तो मैं वो काम करना शुरू कर देती हूँ। तो आपने ये काम क्यों चुना? मैंने इसलिए चुना क्योंकि मजबूरी की वजह से, मैं गांव का रहने वाला हूं तो मजबूरी थी, कुछ ऐसी थी, मतलब इस काम में आना पड़ा क्योंकि घर व्यवहार पैसे ऐसे के लिए मतलब जरूरत ज्यादा थी, तो इस वजह से। तो आपको लगा, मतलब ये होता है ना कि आप कोई काम को शुरू करते रहते हैं तो आपको लगता है कि कुछ अलग चीज हो जाएगी, मतलब अगर काम में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उस काम को बदल भी सकते हो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैसा आ रहा है तो हम इसकी जगह कोई दुकान खोल के बैठ जाएं या किसी और काम को शुरू कर दे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कभी?
नहीं, मुझे क्योंकि मेरे पास समस्या कुछ ऐसी थी जो मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसे कुछ पैसे कमा ऐसे कमाता हूँ 12 साल से कमा रहा हूँ, तो कभी कुछ किसी चीज़ में चले जाते हैं, कभी किसी चीज़ में चले जाते हैं। जैसे कि बहनों की शादी है, तो मतलब इतने दिनों से अभी तक कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है जैसे कि मैं यही कर रहा हूँ, अभी आगे तक ना बढ़ पा रहा हूँ। तो आप इसे बदलना चाहोगे कभी अगर आपको मौका मिले तो? मौका मिलेगा तो कोई नहीं, हर कोई सोचता है कि मतलब बढ़ जाऊँ, थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ, बदलूँ, थोड़ा इससे अच्छा करूँ। तो जब आप घर से निकलते हो तो आपके दिमाग में कुछ ख्याल होते होंगे, मतलब कभी कभी बहुत सारी बिक्री हो जाती है, जैसे कि आज शायद मैं जितने मिनट में आपके साइड में खड़ी हूँ उतने में लगातार आपके पास ग्राहक आ रहे हैं। आपके पास कम से कम 500 से 600 मिनान कटाई बनी हुई होगी और जितने का आप सामान लेके घूमते हो, तो मतलब ये होता है कभी कभी सारा कुछ बिक जाता है, मगर कभी कभी कुछ भी नहीं बिकता होगा या बहुत कम बिकता होगा, जितनी उम्मीद लगाते हो उतना भी नहीं। तो फिर कैसी उम्मीद लेके आप घर से बाहर निकलते हो? ऐसी उम्मीद लगा के घर से निकलता हूँ कि मतलब कि कुछ ना कुछ आए, फिर नहीं होता है तो अपना जो भी है उसमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो रोज कमाते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि अगर मेरे पापा हैं या मेरे कोई रिलेटिव है तो वो दिवाली का बहुत वेट करते हैं, क्योंकि साल में एक बार उन्हें मिठाई का डब्बा मिलता है या ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि किसके लिए उनका त्योहार भी उसी मिठाइयों से बनता है। तो आपके लिए आपके त्योहार किस तरीके के होते हैं? मतलब जैसे कि हमारे लिए हमारा त्योहार तब माना जाएगा जब हमारे घर में मिठाई या फिर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब कंपनियों में बोनस मिलता है, तो आपके लिए आपका ऐसा मतलब त्योहार आप किसे कह सकते हो? नहीं जी, मेरे में तो ऐसा कोई नहीं आता, जो कमाता हूँ उसी से अपना सब कुछ करता हूँ, खरीदता हूँ, जो भी करना है, लेकिन मेरे में ऐसा कोई कभी नहीं आता। तो मतलब आपके लिए आपका त्योहार कौन सा माना जाएगा? नहीं ऐसे मतलब आपके लिए ऐसा कोई त्योहार नहीं होता जिस दिन ज्यादा बिक्री हो गई वैसे? कि अगर कभी कभी आपकी बिक्री नहीं होती तो आपको उम्मीदें कैसी होती है? मतलब घर पे जिम्मेदारी बहुत होती है, उम्मीदें मतलब टूटती तो कैसा लगता है? वो तो हर किसी को बुरा लगता है, नहीं लगता, अब लगता भी है तो फिर क्या किया जाए, जो भी है तो अपना उसी में करना पड़ता है ना, इसलिए। तो मतलब अगर ये होता है कि मतलब जैसे कि रात को कभी कभी कुछ भी नहीं बिकता होगा तो घर वालों की चीजें सुन के मतलब आपका मन नहीं करता कि आप इसे छोड़ के कहीं जिम्मेदारियां छोड़ दो या फिर इस काम के साथ ही जुड़े रहो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, जब घर से निकलेंगे निकले हुए हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलता है, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद नाकामयाब नहीं होती है। आपको किस तरीके से बुलाते हैं जरा हमें बताइए, जिस तरीके से लोग आपको आवाज लगाते हैं? मतलब नान खटाई वाले, तेज से बोलिए, नान खटाई वाले। पता नहीं आपकी उन लोगों पे नजर पड़ती है या नहीं, बट हर बार कालका जी जाने वाले रास्ते में मुझे वो फुटपाथ पे सोने वाले लोग जाते हैं। नीचे बस एक चटाई सी होती, उसके ऊपर उनका कम्बल होता और वो सुकून की नींद होती। जहाँ सूरज की रोशनी पड़ी वही उनका सवेरा और जहाँ अंधेरा हुआ वही उनकी रात। जब पूछा मैंने किसी और से कि इन्हें घर क्यों नहीं मिलते, तो जवाब मिला कि अगर घर जाएंगे तो घर का किराया देना पड़ेगा, घर उनके नाम भी हुआ तो कमाने का जरिया ही क्या है, वापस इन्हें फुटपाथ पर ही आना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने फुटपाथ को ही अपना घर बना लिया है। घर की कीमत कभी उन लोगों से पूछो जिनके पास घर ना हो। हम सोचते हैं कि हम कितने बदनसीब हैं, शायद सब कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते, मगर कभी कभी उन लोगों का त्योहार देखना जब उनकी कमाई उनसे ज़्यादा हो जाए। मैं ये नहीं कहती मैं खुश नसीब हूँ, मैं ये नहीं कहती वो बदनसीब है, पर कभी उनके चेहरे की वो खुशी देखना जब आसपास कोई भंडारा हो रहा हो और अचानक से उन्हें वो बहुत सारा खाना मिल जाए जिसे वो शायद 2 दिन तक भी खा ले, मगर उस खाने को देख के उस खुशी को देखना कि आज उन्हें कुछ अच्छा नसीब होगा। जिस पैसे की कीमत हम समझ नहीं पाते वो हर रोज़ उसके लिए लड़ते हैं, चाहे हम गलती से ही सही बट कभी कभी कुछ ज़्यादा खर्च कर देते हैं और अब सोचते हैं कि हम कल को बचा लेंगे क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं कहीं से, बट जिनको पैसे के लिए बहुत दरबदर भटकना पड़ता है, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है सिर्फ उस नोट के लिए, जरा उनसे उस घर की कीमत पूछ के देखना जिस घर को वो छोड़ के आए हैं सिर्फ इसे ले कि शहर जाके वो कुछ कमा सके। कीमत पैसे की, वक्त की, जज्बात की, हालात की, सबकी होती है, बस वक्त के साथ हम उसे समझ नहीं पाते। वो सब लोग ऐसा क्यों करते हैं? शायद रोटी, कपड़ा, मकान, शायद मकान नहीं, रोटी, कपड़ा, परिवार के लिए। विद दिस थॉट मैं आपसे विदा लेती हूँ, दोबारा आऊंगी कुछ ऐसे ही किस्से, कुछ ऐसे ही एहसास के साथ।
अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कीजिए मिक्स अड्डा पॉडकास्ट, और हाँ स्पॉटिफाई पे भी फॉलो करना ना भूले। सुनते रहिए सुनाते रहिए मिक्स अड्डा पॉडकास्ट को। बाय प्रिया कुमारी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।